आजकल केंद्र के खिलाफ बोलने वाले मीडिया चैनल्स को खरीद लिया जा रहा है। जो लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल उठाते हैं उन पर मानहानि, देशद्रोह और फ्रॉड जैसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं आपका इशारा उधर तो नहीं? ओके, टाटा बाय बाय। मेरा तो नहीं है, लेकिन इन सबके बीच में स्वीडन की डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने भारत के लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत के लोकतंत्र पर चुनावी तानाशाही यानी कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी होने लगी है? देश में सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी, मगर ये देश कल भी था, आज भी है और हमेशा रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर है, ये शब्द देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, जिन्हें सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है। पूरी दुनिया भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में देखती है, लेकिन क्या आज के समय में भी हम भारत को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? दरअसल ये सवाल हमने नहीं, वीडेम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने उठाया है। वीडेम यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2014 में स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टेफन लिंडबर्ग ने बनाया था। वीडेम इंस्टीट्यूट की तरफ से हाल ही में 5th एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। दोस्तों, इससे आगे हम वीडेम रिपोर्ट में लिखी हुई बातों पर ही खुलकर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों अब भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जाता है। 2021 से पहले इस रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2022 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रख दिया गया है। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले डेमोक्रेसी पर बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता का शासन, यानी कि लोकतांत्रिक देशों में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन होता है। अमीर गरीब, जाति धर्म से उठकर देश में हर इंसान को वोट देने का अधिकार होता है। एक वोट ही है जो हमें सही मायने में भारतीय बनाता है। जनता चाहे तो सरकार को बना भी सकती है और चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है। लोकतंत्र में दूसरी सबसे अहम चीज होती है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। भारत में किसी भी एक इंसान या पार्टी के पास पूरी शक्तियां नहीं होती है। सत्ताधारी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को पूरी छूट दी जाती है, ऑपोजिशन को। अब अगर हम बात करें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की, तो इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि देश में इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन डिसीजन कोई एक इंसान या एक पार्टी ले रही है। अब डेमोक्रेसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय लोकतंत्र नहीं बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि देश में मीडिया अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। साथ ही देश में डिफेमेशन यानी कि मानहानि, सेडिशन यानी कि राजद्रोह के मामले भी बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट को 202 कंट्रीज से 30 मिलियन डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके बनाया गया है। यह भी बता दें कि साल 2021 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत बहुत जल्द लोकतांत्रिक देश होने का दर्जा खो सकता है। वहीं इस साल वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में यह डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत डाउनग्रेड होकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में आ गया है। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि दुनिया में डेमोक्रेसीज को लेकर क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। तो यह रिपोर्ट्स लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर के बेस पर कंट्रीज को 4 अलग पैरामीटर्स में बांटती है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में LDI के मुताबिक स्वीडन पहले नंबर पर है, वहीं डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका एंड न्यूजीलैंड डेमोक्रेसी रैंकिंग के लिस्ट में टॉप 5 में काउंट किए जाते हैं। और यह भी बता दें कि 180 देशों में भारत पहले टॉप 50 कंट्रीज में यानी कि आया करता था, जो अब खिसक कर 97th रैंकिंग पर पहुंच चुका है। ऑटोक्रेसी में शामिल होने की वजह से भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान के बराबर हो गया है, जबकि इस लिस्ट में पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल की रैंकिंग भारत से बेहतर है। अब यह भी बता दें कि आजकल के समय में ऑटोक्रेटाइजेशन दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। साल 2021 में 6 तख्ता पलट यानी कूप हुए हैं, जिसकी वजह से 4 नई ऑटोक्रेसीज का उदय हुआ है, जिसमें चाड, गिनी, माली और म्यांमार शामिल हैं।
ये भी बताएं कि साल 2012 में लिबरल डेमोक्रेसीज की संख्या 42 थी। ये संख्या 25 वर्षों में अपने सबसे कम स्तर पर है। इस समय दुनिया भर में महज 34 देश और 13% आबादी लिबरल डेमोक्रेसीज की है। वहीं 2020 और 2021 के बीच क्लोज ऑटोक्रेसी, जिसे तानाशाही कहा जाता है, इसकी संख्या 25 से बढ़कर 30 हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 89 डेमोक्रेसी और 90 ऑटोक्रेसी है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी शासन सबसे आम प्रकार बन गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी ने 60 देशों और दुनिया की आबादी का 44% हिस्सा अपने अंदर समेट लिया है। वहीं चुनावी लोकतंत्र यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दूसरा सबसे आम शासन है, जिसमें कि 55 देश और दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा शामिल है। अब डेमोक्रेसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से लोकतंत्र का स्तर गिरा है, क्योंकि राजद्रोह यानी सेडिशन, डिफेमेशन और क्रिटिक्स को शांत करने के लिए काउंटर टेररिज्म के मामलों को बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में 7,000 से ज्यादा लोगों पर सरकार के खिलाफ बोलने और उनकी नीतियों पर सवाल उठाने के बाद सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस तरह के केसेस का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के पावर में आने के बाद देश में सेक्युलरिज्म में कमिटमेंट की गिरावट होती जा रही है। अगर हमने सेक्युलरिज्म की बात की दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सरकार ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि हिंदुत्व मूवमेंट की स्वतंत्रता बढ़ गई है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के आने के बाद से लोकतंत्र देश में नहीं बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में शामिल हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत बार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का शब्द यूज हुआ है। आई एम श्योर अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आपकी क्या राय है, क्या भारत वाकई में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में आ गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, अगर ना तो फिर आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।